एक तरफ सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षा को सुधारने के लिए तरह तरह के प्रयास और जतन करते हैं, लेकिन रायपुर में एक निजी स्कूल के प्राचार्यों के द्वारा स्कूल के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से स्कूल स्टाफ और अभिभावकों को मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में अभिभावकों, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और श्रमिक यूनियन के लोगों ने स्कूल के गेट पर 12 सूत्री मांगों को लेकर घेराव करके धरना प्रदर्शन किया। आज 12 सूत्री मांग को लेकर के पालकों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, किंतु प्राचार्य महोदया के रवैये को देखकर, जो कि काफी शर्मनाक एवं असाधारण हरकतें थी उनकी, आज शुरुआत से ही लोगों में उनके हरकतों को देखकर रोष व्याप्त हो गया, जिससे पालक एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनको हटाने को लेकर मांग करते रहे। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल बैठक के खिलाफ ये आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि पालकों के द्वारा किया जा रहा है। शांतिपूर्वक आज हम अपनी बात रखने आए थे, लेकिन मिर्जा पीयूष तिवारी, जो कि यहाँ की प्रिंसिपल है, वो सुबह सुबह ही पालकों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना चाहती थी, और उसके बाद उनका जब वो नीचे उतरी और पालकों द्वारा ये कहा गया कि आप ऐसे कैसे हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाओगे करके, तो उनका कहना था कि वो मैं देख लेती अगर चढ़ती तो। इस तरह का रवैया बरता जा रहा है, क्योंकि पालक जो थे आज वो 12 सूत्रीय मांग लेके आए थे।